आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करूंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे ना ही कभी देखे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अपने पहले टिप की ओर चलते हैं। अक्सर जब भी हमें कोई चीज़ स्टीम करनी होती है या ढोकला बनाना है तो हमें इस तरह की रिंग की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमारे पास रिंग होता नहीं है या है तो हमें कभी कभी टाइम पर नहीं मिलता है। तो इसके लिए एक बहुत ही शॉर्टकट सा मेथड है कि इस तरह स्पून्स लें और उनको कढ़ाई या पतीले में इस तरह बेस पर बिछा लें। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही गजब का तरीका है। और बस इसके ऊपर जो भी चीज़ आपको स्टीम करनी है रख दीजिए। देखिए, मैंने हाथ मारकर आपको दिखा दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। अब हमें इसमें पानी डाल देना है और ऊपर से ढक्कन ढक देना है। देखिए कितनी आसानी से हमने एक स्टीमर रेडी कर लिया है, बस एक छोटे से जुगाड़ के साथ। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी टिप की ओर। जब भी हमें बटर को कट करना पड़ता है तो हम नाइफ़ का हेल्प लेते ही हैं, लेकिन इससे होता क्या है कि हमारी जो बटर की स्लाइस है वो एकदम एक सार नहीं कटती है या बीच से ब्रेक हो जाती है। हम किसी भी तरह के नाइफ़ का यूज़ कर लें लेकिन ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक पिलर लें और इससे एक पतली सी स्लाइस काटें। जो स्लाइस कट के आएगी वो एकदम एकसार और बहुत ही पतली स्लाइस होने वाली है। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा तरीका है पिलर को यूज़ करने का बटर को कट करने के लिए। हमारी तीसरी टिप पापड़ को लेकर है। अक्सर हम खाने के साथ पापड़ खाते ही हैं, लेकिन हम रोस्ट करके खाते हैं। कभी कभी हमारा मन करता है कि क्यों ना हम तल के खाएं, लेकिन ऑयल होने के कारण हम ऐसा नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक बहुत ही आसान सी ट्रिक बता रही हूँ, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आपको एक ब्रश लेना है जिससे हम ऑयल को अप्लाई करते हैं और पापड़ के दोनों साइड पर लगा लेना है। ये काम चाहें तो आप फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रश नहीं है। मैंने यहाँ दोनों पापड़ पर लगा लिया है क्योंकि मैं आपको दोनों पापड़ अलग अलग तरीके से सेक कर भी बताऊंगी। एक आप गैस पर, दूसरा माइक्रोवेव में, या फिर आप तवे पर भी इसको सेक सकते हैं। तीनों ही मेथड बहुत आसान है, लेकिन इसके बाद जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल फ्राई करने वाला जो पापड़ है वो ही टेस्ट आने वाला है। फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले गैस पर इसको सेक कर बताती हूँ, डायरेक्ट फ्लेम पर। या फिर आप जो पापड़ सेकने वाली जाली आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चिमटे की हेल्प से इसको फटाफट से अलट पलट करके सेक लिया है और देखिए हमारा पापड़ सेक कर एकदम रेडी हो गया है। और दूसरा पापड़ मैंने माइक्रोवेव में सेका है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों पापड़ बिल्कुल सक के रेडी हो गए हैं। और अब मैं आपको टेस्ट करके भी बता देती हूँ। फ्रेंड्स, टेस्ट बिल्कुल ऐसा है जैसा हमने इसको ऑयल में फ्राई किया है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। अगली टिप हमारी है पनीर को लेकर। जब भी हम मार्केट से पनीर लाते हैं और उसको हमें लंबे टाइम के लिए रखना होता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि इसको लंबे टाइम तक कैसे रखा जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमने पनीर को अच्छे से वॉश कर लिया है पानी में। अब हम एक सूती कपड़ा लेंगे, सफ़ेद कलर का ही होना चाहिए, और इसको पनीर के चारों ओर लपेट देंगे। अब हमें कपड़े को गीला करना है और पानी को बिल्कुल हटा देना है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह आप 6 से 7 दिन तक पनीर को फ्रेश रख सकते हैं, पनीर बिल्कुल मुलायम बना रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं पांचवी टिप की ओर। अक्सर माइक्रोवेव यूज़ करते करते उसमें खाने की स्मेल रह जाती है, तो फ्रेंड्स उस स्मेल को बिल्कुल गायब करने के लिए और अपने माइक्रोवेव को फ्रेश रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, एक कटोरी में 1 कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल दें। और बस हमें इस कटोरी को माइक्रोवेव के अंदर प्लेस कर देना है और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला देना है। फ्रेंड्स, जितनी भी स्मेल थी वो बिल्कुल गायब हो जाएगी और हमारा माइक्रोवेव बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। और अब अगली टिप की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम दाल बनाते हैं तो सारा पानी बाहर आ जाता है, लेकिन इस तरह अगर आप दाल के अंदर कटोरी रखेंगे उसके बाद अगर विसल बजेगी तो जो पानी है जो कुकर के बाहर आ जाता है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। देखिए, जैसे आज मैंने दाल पालक बनाया है, दाल में 3 विसल ज़रूर बची हैं, लेकिन मेरा गैस स्टोव और मेरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टिप है। ऐसी 2-3 टिप मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। चलिए मैं आपको खोल के भी बता देती हूँ। और देखिए, कटोरी हमारी बिल्कुल साफ है। जब भी फ्रेंड्स हम दाल बनाते हैं तो हम उसमें हरा धनिया डालना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि हमारे पास हरा धनिया नहीं होता है। तो फ्रेंड्स क्या करें, बस अगली टिप ज़रूर अपनाएं। ये मैंने कसूरी मेथी ली है, यहाँ मैंने 1/2 चम्मच के आसपास कसूरी मेथी ली है, और इसको लेकर हाथ में हल्का सा रगड़ के इसका हल्का सा चूरा करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, और इसको अपनी दाल में डाल दें।
फ्रेंड्स, दाल की खुशबू बस पूछे मत, इतनी बढ़ जाएगी कि आसपास के लोग भी आके पूछेंगे कि आपने आज क्या बनाया है। अब हमारी आठवीं टिप, फ्रेंड्स ये हम सबके साथ होता ही है कभी ना कभी कि आटा गूंथते टाइम थोड़ा सा पतला हो जाता है और इससे जब भी हम रोटी बनाते हैं तो हमारा बेलन या चकला दोनों ही चिपक जाते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप अपने बेलन को 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद आपका आटा बिल्कुल भी चकला या बेलन से नहीं चिपकेगा। देखिए, मैंने भी इसको रख दिया था और अब मैंने तो इस पर सूखा आटा भी नहीं लगाया है, उसके बावजूद भी मेरी रोटी बिल्कुल भी चकले या बेलन से नहीं चिपक रही है। अगर टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम सब्जी या दाल छोंकने में अक्सर इस तरह की लाल सूखी मिर्चों का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम इसको काट कर यूज़ करेंगे तो हमारी लाल मिर्च वेस्ट नहीं होगी। आप मिर्च को 2 पीस में या मिर्च थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो 3 से 4 पीस में भी काट कर यूज़ कर सकते हैं। इससे दाल और सब्जी का तो स्वाद बढ़ेगा ही, आपको लाल मिर्च भी क्वांटिटी में कम डालनी पड़ेगी क्योंकि ये सूखी मिर्च थोड़ा सा अपना असर ज़्यादा करेगी। नेक्स्ट टाइम से फ्रेंड्स, छोंकने में इस तरह काट कर ही लाल मिर्च का यूज़ कीजिएगा, इससे दाल और सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर ग्रेटर को यूज़ करते करते इसके ब्लेड्स थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं, अगर हम थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करें तो इन ब्लेड को हम शार्प कर सकते हैं। देखिए, इस तरह की चूड़ियाँ सबके पास होती ही हैं, बस इन चूड़ियों को धीरे धीरे हमें इसके ब्लेड की ओर रगड़ देना है और आपका जो ये ग्रेटर है ये अच्छे से शार्प हो जाएगा। इसके बाद आप आसानी से कोई भी चीज़ को कद्दूकस कर सकते हैं, बस आप ध्यान रखें इसके बाद जब भी यूज़ करें तो इसको वॉश कर ही यूज़ करें। अब हमारी 11वीं टिप, ज़्यादातर सभी बच्चे हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं और सारी दाल भी नहीं पसंद करते हैं, तो फ्रेंड्स 3-4 दाल एक साथ मिक्स करें और उसमें इस तरह आप पालक के 10 से 12 पत्ते डाल सकते हैं। बस पालक को थोड़ा सा बारीक काट कर ही डालें, इससे दाल की न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ हरी सब्जी भी हैं और 3-4 तरह की दाल भी हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दाल बनकर रेडी हो गई है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं पता कर पाएंगे कि इसके अंदर मैंने पालक डाला हुआ है, साथ ही न्यूट्रिशन वैल्यू में 10/10। हम अपनी 12वीं टिप की ओर बढ़ते हैं। जब भी हम आटा छानते हैं तो आटा अक्सर हमारी छलनी में चिपक जाता है, तो फ्रेंड्स इससे बचने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप छलनी में कुछ चूड़ियाँ डाल दें, अगर चूड़ियाँ नहीं हैं तो आप कॉइन्स भी डाल सकते हैं और बस अपना आटा छान लें। इसकी वजह से छलनी में जो आटा चिपकता है वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और सारा आटा आसानी से छन जाएगा। आप बैंगल्स, कॉइन्स या छोटी छोटी स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी की सारी टिप्स और ट्रिक्स पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह की और टिप्स एंड ट्रिक्स लेके मैं आती रहूँगी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।